सो हैलो गाइज टूडे वी आर डिस्कस अबाउट द एंटी ट्रांसफेरेंट हाउ मैनी टाइप ऑफ द एंटी ट्रांसफेरेंट एंड वाट इज द यूज इन द क्रॉप ऑफ एंटी ट्रांसफ्रेंट फर्स्ट वी आर डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एंटी ट्रांसफरेंट यू कैन सी मटेरियल आर अप्लाइड टू प्लांट सफेस टू रिड्यूस ट्रांसफिएसन फ्रॉम द प्लांट दैट कैलड एंटी ट्रांसफेरेंट ऐसे मटेरियल ऐसे पदार्थ या फिर ऐसे रसायन या फिर ऐसे केमिकल जिनका प्रयोग पौधे की सतह पर करने पर वह रिड्यूस कर देती है कम कर देती है आपके ट्रांसफरेशन के थ्रू जो पानी का लोसेस है उसको है ना फ्रॉम द प्लांट से और क्या काम करते, है ये? Photosynthesis, ये photosynthesis करते हैं ये एंटी ट्रांसफर रिड्यूस फोटोसिंथेसिस ये फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस करती है और क्या कार्य करती है हैंज देर यूज शुड बी लिमिटेड टू सेव द क्रॉप फ्रॉम डेथ अंडर सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस अगर अधिक मात्रा में आपके प्लांट्स में या फिर पौधे में आपके मॉइस्चर का इस्ट्रे, स्ट्रेस हो जाएगा अधि अधिक मात्रा में मॉइस्चर का स्ट्रेस हो जाएगा तो उसकी डेथ हो सकती है तो अंडर द सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस के अगर आपका स्ट्रेस के अगर आपका प्लांट्स है तो एंटी ट्रांसफेरेंट का प्रयोग करने से उसे डेथ होने से उसे बचाया जा सकता है दे हैव सम प्रैक्टिकल यूज इन नर्सरीज एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इनका प्रैक्टिकल कुछ नर्सरीज में और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में किया जाता है एंटी ट्रांसफरेंट आर मेनली फोर टाइप्स एंटी ट्रांसफरेंट आर मेनली फोर टाइप फर्स्ट इज स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप ये चार प्रकार के होते हैं पहला है आपका स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप दे, दे रिड्यूस वाटर लॉस थ्रो क्लोजिंग स्टोमेटा ये पानी को लॉसेस को जो कम करती हैं आपके पौधे से कैसे करती हैं आपकी ये आपका प्लांट्स है ये पत्तियाँ बनी हुई हैं इस पर ये इसमें कुछ रंध्र रंध्रवकाश होते हैं जिनको कहते हैं इनको बंद, कर देती है, इनको बंद कर देती है जिससे पानी का लॉसेज ऊपर ना जा पाए किसके थ्रू प्लांट के थ्रू ट्रांसपरेशन के थ्रू जो पानी का जो लॉसेज होता है वो कम हो जाता है तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपीरेंट वर्क दे, दे रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू द

जो फिजिकल बैरियर का काम करता है जो पौधे से जो आपके सूरज की किरण आती है वो डायरेक्ट रूप में आपके पौधे को पो इफेक्ट नहीं पहुंचा पाती जिससे पानी का लॉसेस कम हो जाता है उसकी एग्जाम्पल क्या है आपकी मोबिलिप हेक्साडिकोनॉल सिलिकॉन ऑयल एंड वैक्सीस इसका प्रयोग करते हैं फिल के रूप में नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप स्टोमेटा रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपीरेंट रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपीरेंट ऐसे केमिकल रसायन जिनका प्रयोग अगर हम अपने पौधे की सतह पर कर दें पौधे की सतह पर कर दें तो पौधे से पौधे की सतह पर कर दें तो सूरज से आने वाली किरणों को सूरज से आने वाली किरणों को ये रि, रिफ्लेक्ट कर दें डायरेक्ट ना पहुँचने दें रिफ्लेक्ट कर दें ये सूरज की किरण आई और रिफ्लेक्ट हो गई इधर से आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई किसकी वजह से रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपिरेंट की वजह से लिखा हुआ है दिस केमिकल रिफ्लेक्ट द रेडिएशन एंड रिड्यूस द लीफ टेम्परेचर जनरली ये सफेद कलर यानी व्हाइट कलर की होती है सफेद रंग की होती है ठीक है अच्छा इसका एग्जांपल क्या है केमिकल्स का तो कैओलिन एट द रेट 5% रिड्यूस ट्रांसपिरेशन लॉसेस एप्लीकेशन ऑफ द कैओलिन अगर हम कैओलिन रसायन का प्रयोग करती हैं तो वह रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करता है नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट वृद्धि घटाने वाले ऐसे केमिकल जिनका प्रयोग अगर हाँ हम अपनी फसल पर कर दें तो वह पौधे की वृद्धि को घटा देती है जिससे जो फल तथा फूल जल्दी से जल्दी समय में वो तैयार कर करने के लिए हो जाता है एग्जाम्पल आपका साइकोसेल इसको कहते हैं हम साइकोसेल ट्रिपल सी लिखा हुआ है साइकोसेल है ना दे आल्सो इंड्यूस स्टोमेटा स्टोमेटा क्लोजिंग क्लोजिंग ये भी करते हैं और आपके प्लांट्स की ग्रोथ को कम कर देते हैं तो हमने पढ़ा आज एंटी ट्रांसपीट के बारे में नेक्स्ट मैं जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके लिए एक क्वेश्चन की लिस्ट आपको फिर दोबारा भेज रहा हूँ अब पढ़ेंगे हम एग्रो इकोलॉजिकल रीजन होता क्या है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इज द लैंड यूनिट कट आउट ऑफ एग्रो क्लाइमेटिकल रीजन वेन सुपर इम्पोज ऑफ लैंड

तो आपके कितने जोन में आपको डिवाइड किया गया है आपके एग्रो इकोलॉजिकल जोन को अकॉर्डिंग टू आईसीआर इस प्रकार के क्वेश्चन आती है देखो सबसे पहले लिखा हुआ एन बी एस एस एल यू पी फुल क्या है पहले ये देख लीजिए नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ पर लोकेटेड है गाइस नागपुर में वेरी गुड इसके अकॉर्डिंग एग्रो इकोलॉजिकल जोन है आपके 21 है लेकिन नाउ रिसेंटली कितनी है कितने है? है. है आपके आठ कितनी है आठ तो क्वेश्चन आता है आपका तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है आपके अकॉर्डिंग टू आई सी आर कितनी है तो आप बताओगे आठ अकॉर्डिंग टू आपके नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग तो बताओगे आप 20 ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके एग्रो क्लाइमेटिकल रीजनल प्लानिंग की ये है क्या इट वाज इनिशिएटेड टू इन 1988 बाय द प्लानिंग कमीशन अंडर द सेवंथ फाइव ईयर प्लान आपका जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल जो प्लानिंग है ये कब इनिशिएटेड किए गए थे 1988 में किसके द्वारा प्लानिंग कमीशनस के द्वारा कब अंडर द सेवंथ फाइव ईयर प्लान अब पूछा जाएगा इसका हेड कौन होता है तो हेड होती है जो प्राइम मिनिस्टरस प्लानिंग कमीशन इज हेडेड बाई द प्राइम कमिश्नर ऑफ इंडिया प्राइम प्राइम कमिश्नर जो होंगे आपके उनके द्वारा हेड किया जाएगा आपके एग्रो क्लाइमेटिकल रीजनल प्लानिंग जो है आपके प्लानिंग कमीशन जो है उसको प्लानिंग कमीशन को जो हैड करेंगे वो है आपके प्राइम मिनिस्टर्स नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रो क्लाइमेटिकल जोन की एग्रो क्लाइमेटिकल जोन है आपके के, किस कैसे डिवाइड किए गए हैं देखो एग्रो क्लाइमेटिकल जोन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियाज आपके एग्रो क्लाइमेटिकल जोन क्लासिफाइड कर क्लासीफाइड करे गए हैं वर्गीकृत किए गए हैं किसके आधार पर किए गए हैं आपके गाइस फर्स्ट है आपका रेनफॉल यानी कि वर्षा पर, के आधार पर देन टेम्परेचर तापमान के अनुसार सॉइल टोपोग्राफी भूमि की जो स्थल आकृति कैसी है ऊंची है समतल है या फिर पहाड़ी या क्षेत्र है किस प्रकार का है नेक्स्ट है आपका वाटर रिसोर्सेज पानी का रिसोर्सेज क्या है वेल well से सिंचाई हो रही है इरीगेशन हो रही है कैनाल से हो रही है ट्यूबवेल well से हो रही है या फिर हैंडपम्प से हो रही है ये देखा जाएगा नेक्स्ट है आपका क्रॉपिंग सिस्टम क्रॉपिंग सिस्टम किस प्रकार का उगाया जा रहा है राइस एंड राइस अपनाया जा रहा है आपका राइस एंड वीट अपनाया जा रहा है या फिर मेज एंड वीट अपनाया जा रहा है किस प्रकार का आपका क्रॉपिंग सिस्टम किस एरियाज में पर्टिकुलर एरियाज में आपका क्रॉपिंग सिस्टम अपनाया जा रहा है ठीक है उस उसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाइड करते हैं अपनी एग्रोक्लाइमेटिकल जोन को तो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन

तो P जहाँ लिख लिखा आ जाए समझ लीजिए पंद्रह की बात हो रही है तो ठीक है और जहाँ आ जाए आई सी आर लिखा हुआ आई सी ए आर तो ये बा यहाँ बात हो रही है आपकी वन थ्री वन ठीक है एक सौ इकतीस की तो अकॉर्डिंग टू आई सी आर इंडिया हैज़ बिन डिवाइडेड इन टू वन थर्टी वन एग्रो क्लाइमेटिक जोन और अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन इंडिया हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू फिफ्टीन एग्रो क्लाइमेटिकल जोन तो ये हमने बात की गाइस यहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिकल जोन की एग्रो इकोलॉजिकल जोन की और एंटी ट्रांसपेरेंट्स की नेक्स्ट में आपके लिए स्लाइड सेंड की कर दी है आपके कुछ इंसेक्टिसाइड से रिलेटेड एक्ट आए हुए हैं उनको देखते हैं गाइज फर्स्ट है हमारा द इंसेक्टिसाइड एक्ट नाइनटीन जो तो आपका इंसेक्टिसाइड का जो एक्ट आया था कब आया था आपका नाइनटीन में आया था फिर आपका इंसेक्टिसाइड अमेंडमेंट एक्ट ये एक्ट आया नाइनटीन में लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया गया इसमें सुधार कब किया गया 2000 में

आप जानते हो इंसेक्ट हम किसे कहेंगे इंसेक्ट हम किसे कहेंगे इंसेक्ट हम उसे कहेंगे जिनकी बॉडी जिनकी बॉडी तीन भागों में डिवाइडेड हो कितने भागों में डिवाइडेड हो गाइस तीन भागों में डिवाइडेड हो जिनकी बॉडी हम उसको इंसेक्ट कहेंगे क्या कहेंगे उसे इंसेक्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ठीक है माउथ पार्ट होगा मिडिल पार्ट होगा हिड गट यानी कि लास्ट का पार्ट होगा फिर जिनकी जो लेग्स है जो आपके सेगमेंट से मिलकर बनी हो जो जोड़ से मिलकर के जिनकी टांगे लेग्स है जो बनी हो हम उसको इंसेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे वेरी गुड और ऐसा केमिकल जो इंसेक्ट को किल करने लिए, को के लिए इंसेक्ट को मारने के लिए प्रयोग किया जाता हो हम उसे क्या कहेंगे इंसेक्टी साइड क्या कहेंगे इंसेक्टी साइड कहेंगे हम उसे वेरी गुड फिर पेस्ट किसे कहेंगे पेस्ट हम उसे कहेंगे जो हमारे ई टी एल लेवल इकोनॉमिक थ्रेस और लेवल से ऊपर जाकर के जो हमारी फसल को हानि पहुंचाएगा हम उसे पेस्ट कहेंगे पेस्ट कोई भी हो सकता है आपका डिसेज भी हो सकती है आपके इंसेक्ट भी हो सकती है और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी हो सकते हैं ठीक है आई रिपीटेड आपका पेस्ट कोई भी हो सकता है आपका डिसेज भी हो सकता है इंसेक्ट भी हो सकता है ठीक है या फिर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी हो सकती है जैसे कि आपका खरगोश हो गया या फिर रोटेंडस हो गए है ना तो ए टी एल लेवल से ऊपर जाकर के जो आपकी क्रॉप को जो फसल को हानि पहुंचाएगा हम उसे कहेंगे पेस्ट ठीक है और इंसेक्ट किसे कहेंगे जिसकी बॉडी तीन भागों में डिवाइडेड हो और जिसकी जो लेग्स है उनके सेगमेंट से मिलकर बने हुए पॉट से मिलकर मिलकर बने हो उसमें जोड़ बने हो वो कहेगा इंसेक्ट नेक्स्ट है हमारा प्लांट फ्रूट एंड सीड ऑर्डर द इंसेक्टीसाइड रूल नाइनटीन सेवेंटी वन अब ये काम क्या क्या करती है देखो अभी कुछ समय पहले अफ्रीका से पाकिस्तान से होते हुए अफ्रीका होते हुए ये हमारी आई थी टिड्डी लोकस्ट आई थी ना तो उसके लिए जो उसको निवारण कैसे किया जाए कंट्रोल कैसे किया जाए क्या प्रिस्क्रिप्शन उठनाई जाए उसका उसको बताएगा कौन बताने वाला कौन है आपका द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेट पेस्ट एक्ट 1914 ये बताती है कि इस एक्ट इस इंसेक्ट का कैसे निवारण किया जाए इंसेक्टिसाइड रूल क्या वर्क करता है कि किस कुछ रूल बनाए कि अगर आप किसी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करोगे तो इस मात्रा तक करोगी कैसे आपको यूज करना है क्या इसकी प्रिस्क्रिप्शन है ठीक है क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है इसे यूज करते समय जैसे कि जनरली आप कम, सेल्फास की गोली को यंगस्टर अगर किसी शॉप से लेने जाएगा तो कोई भी शॉपकीपर्स नहीं देगा क्योंकि रूल है अगर सिक्सटी ऊपर या फिर फिफ्टी से ऊपर का कोई अगर बुजुर्ग या जाएगा ओल्डेस्ट मैन जाएंगे उनको ही दिया जाएगा नहीं तो किसी यंगस्टर को नहीं दिया जाएगा क्या पता वो सुसाइडल अपना मूड बना कर गया हो ठीक है और उसका यूज वो अपने लिए कर ले ठीक है तो इंसेक्टिसाइड रूल ये काम करता है कि कौन सी दवा कैसे आपको मार्केट में अवेलेबल करानी है और कैसे किसको देनी है तो ये थी आपकी कोश्च जनरल एग्रीकल्चर की क्लासेस आपको क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट लेक्चर आपको गाइस किस लेक्चर पर जाए किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हो थैंक यू गुड बाय